हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर एक्साइटिंग कार रिपेयर वीडियो। सो आज हमारे पास आई है टोयोटा इनोवा कार, जिसमें गियर शिफ्टिंग का इशू है। तो हो क्या रहा है कि गाड़ी का जो गियर है वो स्टक हो जाता है, कहीं भी बराबर एंगेज नहीं होता है, काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ता है हमें गियर शिफ्ट करने के लिए। सो इस वीडियो में हम लोग आपको बताएं कि गाड़ी में एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है। वीडियो एंड तक देखना, बिकॉज वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो गाइज, अगर आप इस चैनल में फर्स्ट टाइम विजिट करें तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एंड आप हमें इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हो, जहाँ आपको हमारे वर्कशॉप के सारे लेटेस्ट अपडेट्स मिलेंगे। सो ये 2011 की टोयोटा इनोवा कार है और ये गाड़ी कुछ 238,000 किलोमीटर चल चुकी है कि इसका जो गियर है वो स्टक हो जाता है। अभी जैसे कि देखो, मैं क्लच पेडल ये पूरा प्रेस करके रख रहा हूँ एंड इसको फर्स्ट गियर डाल रहा हूँ, तो ये फर्स्ट गियर जा नहीं रहा है। बहुत स्ट्रगल करना पड़ रहा है हमें फर्स्ट गियर को डालने के लिए। साथ ही साथ मैंने इस कार का ट्रायल लिया है, हमारे टेक्नीशियन ने भी इस कार का ट्रायल लिया है, तो इसमें गाड़ी का जो पिकअप है वो भी काफ़ी पुअर है। तो प्रोबेबली इसका जो प्रॉब्लम है ये है क्लच में है। तो इसका भी हम लोग क्लच खोलने वाले हैं और पूरा इंस्पेक्ट करके आपको वीडियो में आगे बताइए कि गाड़ी में क्या क्या चीज़ रिप्लेस होने वाला है। तो चलिए कार का काम शुरू करते हैं। कार में कोई भी मेजर काम करने से पहले हमें बैटरी को जो है डिस्कनेक्ट करना होता है। अभी नेक्स्ट हम इस कार को ऊपर लिफ्ट करेंगे, क्योंकि हमें इसका पूरा एंटायर गियरबॉक्स डाउन करना है। सो इस इनोवा कार में हमें गियरबॉक्स डाउन करने के लिए इसका जो गियर लीवर है वो पूरा निकालना होता है, सेंटर कंसोल पूरा निकालना होता है, क्योंकि ये गियरबॉक्स जो है डायरेक्टली गियर लीवर के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड है। सो अगले स्टेप में हम कार का जो पुराना गियर ऑयल है वो ड्रेन करने वाले हैं। सो गाइस, आपने यूजुअली पुराने वीडियोस में देखा होगा कि हमें क्लच डिसमेंटलिंग करने के लिए अपर फिटमेंट और लोअर फिटमेंट दोनों खोलना होता है, बट इस पर्टिकुलर कार में हमें सारा जो असेंबली है नीचे से खोलना होता है, क्योंकि ये गाड़ी जो है रियर व्हील ड्राइव है। तो अभी हम इसका जो प्रोपेलर शाफ्ट है वो डाउन कर रहे हैं, क्योंकि ये गाड़ी रियर व्हील ड्राइव है तो इसमें प्रोपेलर शाफ्ट होता है पीछे के व्हील्स को मूव करने के लिए। तो अभी ऑलमोस्ट ये गियरबॉक्स का डिसमेंटलिंग खत्म हो चुका है, अभी हम लोग जैक की सपोर्ट से कार के गियरबॉक्स को डाउन करेंगे। सो कार का जो गियरबॉक्स है उसे हमने सेफली डाउन कर लिया है, अभी हम इसका पुराना क्लच असेंबली डिसमेंटल करने शुरू करेंगे। सो गाइस, शुरुआत में हमने इस कार के क्लच सिलेंडर का कंडीशन इंस्पेक्ट किया तो उसकी कंडीशन काफ़ी अच्छी थी, इसलिए हम सिर्फ इस कार का क्लच सेट रिप्लेस कर रहे हैं। सो इसका क्लच सेट डिसमेंटल कर लिया है पुराना वाला, इसके फ्लाईव्हील की कंडीशन भी अच्छी है। अभी अगले स्टेप में हम इस कार का क्लच रिलीज बेयरिंग रिप्लेस करने वाले हैं। सो इस गाड़ी का क्लच सेट जो है वो वर्न आउट हो चुका है, आप डिफरेंस देख सकते हो पुराने प्रेशर प्लेट का कंपेयर टू द न्यू वन। इसका जो क्लच प्लेट है वो भी डैमेज हो चुका है, ये गाड़ी हाफ क्लच में चलने की वजह से इसका जो क्लच प्लेट है वो भी डैमेज हो चुका है। तो अभी हम इस कार में न्यू क्लच सेट इंस्टॉल करने वाले हैं। सो गाइस, ऐसे ही प्रॉब्लम्स को अवॉइड करने के लिए हमें एक बात का काफ़ी ध्यान रखना होता है, जब भी हम कार ड्राइव करते हैं तो हमें हमारा पैर जो है क्लच पेडल पर रेस्ट करके नहीं चलाना है। सो कार का क्लच सेट रिप्लेस करने के बाद अभी हम लोग कार का गियरबॉक्स को फिर से ऊपर लिफ्ट करने वाले हैं। गियरबॉक्स पूरा इंस्टॉल होने के बाद अभी हम लोग प्रोपेलर शाफ्ट को फिर से गाड़ी के साथ कनेक्ट करने वाले हैं। प्रोपेलर शाफ्ट प्रॉपरली लगाने के बाद अभी हम लोग नेक्स्ट स्टेप में कार में न्यू गियर ऑयल फिल करने वाले हैं। न्यू गियर ऑयल पूरा फिल करने के बाद अभी हम इसका जो ऊपर का गियर लीवर है वो सारा फिर से फिक्स करने वाले हैं, एंड इसका जो सेंटर कंसोल जो भी है उसे हम लोग प्रॉपरली फिर से फिक्स करेंगे। सो इस कार का पूरा काम हो चुका है, इसका पूरा क्लच सेट हम लोगों ने रिप्लेस किया है, ये कार चालू है, ये मैंने क्लच पेडल प्रेस किया, स्मूथली गियर जा रहे इसके। अब एक बार मैं क्लच पेडल रिलीज कर लेता हूँ, फिर से दबा के रिवर्स करके देखता हूँ, मुझे बिल्कुल भी स्ट्रगल नहीं करना पड़ा गियर शिफ्ट करने को। सो अभी हम आए इस कार का ट्रायल लेने के लिए, इसका पूरा क्लच सेट हम लोग ने रिप्लेस किया, पहले गियर इसका अटकता था, तो अभी देखिए ये गियर बिल्कुल स्मूथली जा रहा है, एंड पिकअप भी कार का पूरा आ चुका है, गाड़ी अच्छे से चल रही है और कोई जडरिंग का भी प्रॉब्लम नहीं है, क्लच उठाते बराबर गाड़ी स्मूथली आगे जा रही है। ये देखिए गियर शिफ्टिंग मेनली इसका जो मतलब पहले स्टक हो रहा था वो स्टिक होना बंद हो चुका है, स्मूथली जा रहा है, बिल्कुल भी एफर्ट्स नहीं लगाने पड़ रहे मुझे गियर शिफ्ट करने के लिए। अभी थर्ड गियर पे है गाड़ी, अभी मैं इसको सेकंड में डालूँ स्लो करके, स्मूथली जा रही है। तो इसका जो मेन प्रॉब्लम जो था गियर शिफ्टिंग का वो भी सॉल्व हो चुका है, एंड इसका पिकअप जो है कार का वो भी आ चुका है, तो अभी ऑब्वियसली ये गाड़ी का जो फ्यूल इकोनॉमी है वो भी बढ़ जाएगा, क्योंकि इसमें न्यू क्लच सेट हम लोगों ने इंस्टॉल किया है।
सो गाइस ये वीडियो यहीं पे एंड होता है। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना ना भूलना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना, कमेंट करके हमें जरूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। सो गाइस जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। सो फॉर नाउ हैप्पी मोटरिंग, स्टे सेफ।